जीव है जिसकी गर्दन काट देने पर वह कुछ हफ्तों तक जिंदा रहता है यह बात दिसंबर की है बहुत कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही थी रात का समय है और मोटू सो रहा है और बहुत जोर से खर्राटे भर रहा है मोटू के खर्राटे की वजह से पतलू को नींद नहीं आ रही लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पतलू की सो जाता है लेकिन जब रात को 12 बजते हैं, तो अचानक पतलू की नींद खुल जाती है पतलू को कुछ सुनाई देता है जब है गौर से सुनता है तो उसे गेट बजाने की आवाज आती है फिर पतलू दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो देखता है बाहर एक आदमी खड़ा है और उसके ऊपर सोने का प्रकाश आ रहा है उस आदमी को देखकर पतलू डर जाता है फिर वह आदमी पतलू से कहता है तुम्हारा नाम पतलू है मैं जानता हूँ आज से ठीक दो दिन बाद तुम्हारे दोस्त मोटू की मौत होने वाली है तुम लोगों ने हमेशा दूसरों की मदद की है किसी को परेशान नहीं किया और बड़ों का कहना माना है तुम दोनों बहुत अच्छे आदमी हो इसलिए मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ दो दिन बाद मोटू की मौत हो जाएगी यह सुनकर पतलू बहुत जोर से रोने लगता है बाबा मोटू के बिना मैं भी मर जाऊंगा मोटू से मैं बहुत प्यार करता हूँ मोटू मेरे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है आप कोई उपाय बताइए कोई तो उपाय होगा मोटू की जान बचाने का फिर वह आदमी बोलता है उपाय है लेकिन वह उपाय बहुत कठिन है क्या तुम उस उपाय को कर पाओगे क्या बाबा आप मुझे उपाय बताइए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मेरे मोटो के लिए तो वह बाबा बोलता है काली पहाड़ी के उस पार एक जंगल है उस जंगल में तुम्हें एक घर मिलेगा और उस घर में एक तांत्रिक बाबा रहता है वह तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है उसके पास एक जादुई पत्थर है अगर वह पत्थर मोटू के ऊपर लाकर रख दो तो मोटू मरने से बच जाएगा और मैं तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत खुश हुआ तो मैं तुम्हें मेरी शक्ति से सीधा उस जंगल में पहुंचा देता हूं। जहाँ तुम्हें वह तांत्रिक मिलेगा फिर वो बाबा पतलू को अपने जादू से उस जंगल में पहुँचा देता है पतलू जंगल में तांत्रिक को ढूंढता है और उसे तांत्रिक का घर मिल जाता है फिर पतलू तांत्रिक से मिलकर तांत्रिक को सारी बात बता देता है फिर तांत्रिक बोलता है लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा अगर तुम्हारा जवाब सही निकला तो मैं तुम्हें वह पत्थर दे दूंगा